फिर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे आसपास कोई है जिसे मैं देख नहीं पा रही। एक अजीब सा डर है कि हर वक्त कोई मेरे साथ है, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ अभी। काश तुम यहाँ होते मेरे पास मेरे साथ। भाई क्या पढ़ रहे हो? हेलो, बात कर रहा हूँ। ये सब क्या है? किताब में सपनों के बारे में लिखा है, जब कोई दिल से याद कर पाने की कोशिश कर रहे तो वो तुम्हें सपनों में दिखने लगे। तो कुछ नहीं। नहीं नहीं बोल यार, तो क्या मतलब? अरे मैं नहीं हंसूंगा, तुम बता तो सही। क्या तुम बताओ तो सही, मैं नहीं हंसूंगा। अरे मुझे अजीब सा सपना है। सपने में मैंने सिया का लिखा हुआ खत पढ़ा। देखो मैंने कहा था तुम हंसोगे। मैं हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम अभी तक उसको भूले। और अरे यार तुम देखो, मुझे पता था तुम हंसो। मैं हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम ये सपने को देख के इतना परेशान क्यों हो रहा है? सपना ही तो है। और यार ये जो बुक है ना, इसमें जो भी दिखा रहा है इसमें उल्टा ही होता है। हम देख, हम जो भी सोचते हैं और सोते हैं फिर हमें वही आता है सपना। जो हम जो भी सोच के सोते हैं वही हमें स्कूल में दिखाई देता है। मैं आ रहा हूँ, खाना लगा देना। सारे वक्त ही ऐसे मुंह फुला के बैठे रहोगे? कितने दिनों बाद वापस आई हूँ मैं और तुम ये मुंह फुला के बैठे हो। तो मैंने नहीं कहा था इतने दिनों के लिए जाने को। अच्छा बाबा सॉरी, देखो मैंने अपने कान भी पकड़े। अच्छा ठीक है, बंद करो तुम्हारा है नाटक। लाओ अपना हाथों। किस लिए, क्यों, ये क्या है? तावीज है, कोई काला जादू नहीं। लेकिन किस लिए? ये हमेशा तुम्हें सेफ रखेगा और मेरे पास भी।
सिया मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। मुझे आकाश के ऑफिस में एक न्यू जॉब ऑफर हुई है। मैं एक हफ्ते में बैंगलोर शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या? सॉरी बट अभी सिया ये मेरा भ्रम है या ये सच में वही है? पर वो कैसे हो सकता है? जब वो उस दिन गुस्से में यहाँ से गया था, उसके अगले ही दिन उसके एक्सीडेंट में मरने की खबर मिली थी। आज जब मैंने ये बात कृति से कही तो उसने भी यही कहा कि तू भी क्या उस पागल इंसान के बारे में सोच रही है जिसने तुझसे। जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस दिन जो भी हुआ वो उसकी गलती थी और गुस्सा भी उसे ही आया। तू उसके एक्सीडेंट के लिए बिल्कुल भी जवाबदार नहीं है। उसे वो घटिया हरकत करने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। पर मुझे तो ऐसे लगा जैसे ही था आज ठीक मेरे पास। मेरे रूम में मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। अविनाश के बिना अकेलापन है शायद इसलिए। जिसका नाम पढ़ना है उसी का नाम गायब है। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. Hello, Akash. हाँ सर, मैं मैसूर जा रहा हूँ। क्या? क्यों? किसके पास? सिया। तेरी बात नहीं उससे? हाँ, तुझे वापस आकर बताता हूँ, तू बस बॉस को संभालना। अरे हेलो, लेकिन सुन तो सही। अरे तुझको याद करे नीर भरे तेरी बात करे नीर भरे तुझको याद करे नैना नीर भरे तेरी बात करे नैना। ओ भाई, अरे भाई अंदर कहाँ जा रहे हो? गर्ल हॉस्टल है। और आप हो कौन? तू कौन? मैं? अरे मैं बाबू, मैं का केयरटेकर हूँ। पर आप हो कौन?
गर्ल्स हॉस्टल का केयर टेकर और नाम बाबू पर हो को ना मुझे सिया शर्मा से मिला। अच्छा वो सिया फरमा सिया शर्मा। अरे हाँ भाई सिया फरमा सिया। अरे बोल तो रहा हूँ सिया फरमा। सबको फा बोलता है। नहीं मैं तो फा को फाई बोल रहा हूँ। मुझे तो तुझ पे शक हो रहा है। मुझ पे किस बात का? रहने दे सिया ना आएंगे बता। वो तो यहाँ पे नहीं है। कब से? लगभग 4-5 दिन हो गए। कहाँ गई? आपको हमको क्या बता के जाती है? मुझे सिया का रूम देखना है। पर अगर मैं उसका मंगेतर हूँ तुझे तेरा खर्चा मिल गया। अच्छा चलो ठीक है पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाई साहब इसकी क्या जरूरत थी। रूम नंबर फिक्स। तो ये है रूम नंबर फिक्स। सॉरी सिक्स। ये तो वही काली उसका नाम ही होगा। लेके जाएगा वो भी साथ में। अच्छा ख्याल है। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा नाटक है। ये सब तुम्हारा नाटक। बंद कर दो
सिया कहाँ है बता दो, मैं तुम्हें एक और बता दूँ। बता मैं तुझे देता हूँ। तेरे पास दो रास्ते हैं, जिंदगी या मौत। अभी यहां से चले गया तो जिंदगी, वरना मौत। तुम जो भी हो, जिंदा भूत सिया को लेकर जाना। सच्चा प्यार साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। चलो तुम्हें भी उसी के सामने ही मारता हूं, वो भी तुम्हें बहुत याद कर रही है। तभी तो तुम्हें सब कुछ दिखाई दिया, वही खत, वही कमरा, वही सपने। तावीज है कोई काला जादू नहीं, लेकिन किस लिए? ये हमेशा तुम्हें सेफ रखेगा और मेरे पास भी।